मैग्नीशियम का व्यवहार जिसमें परमाणुओं की संख्या उतनी उपस्थित है जितनी कि 2 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित है, है ना, ज्ञात करो। तो हमें यहां पर वो भार ज्ञात करना है जिसमें मैग्नीशियम के उतने ही परमाणु है जितने कि 2 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित है। तो परमाणु तो मोल में समान होंगे ना भाई, तो दोनों के मोल समान है, तो पहले इसमें मोल निकाल लूं मैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं कैल्शियम के मोल निकालूंगा, तो कैल्शियम के मोल या मोलों की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, भार बट्टे परमाणु भार 40, कितना हो गया 1/20 मोल। तो इसमें परमाणु कितने होंगे, 1/20 एने होंगे, तो यहां पर मोल बराबर होंगे तो परमाणु की संख्या भी बराबर होगी, तो मैग्नीशियम के मोल भी कितने होंगे, बराबर हो जाएंगे ना भाई। तो मैग्नीशियम के मोल जो आएंगे वो कितने आएंगे भाई, 1/20 मोल, कितने आएंगे आपके 1/20 मोल। तो यहां पर मैग्नीशियम का भार कितना आएगा भाई, मोल का भार निकालना है तो मोल गुना अनुभार या गुना इसका परमाणु भार, मैग्नीशियम का परमाणु भार है 24, 24 का मतलब हो गया 2 से घटा 10 बार, 2 से घटा 12 बार, तो 1.2 ग्राम मैग्नीशियम हो गया, कितना हो गया भाई 1.2 ग्राम मैग्नीशियम होगा। तो कन्फ्यूजन, तो क्या करना है, उसने क्या कहा कि भाई मैग्नीशियम का व्यवहार ज्ञात करो जिसमें परमाणु संख्या उतनी ही है जितनी की 2 ग्राम कैल्शियम में, और परमाणु बराबर करने के लिए मुझे मोलों की संख्या बराबर करनी पड़ेगी। तो पहले मैंने कैल्शियम के मोल निकाल लिए, 1/20 है, तो मैग्नीशियम के मोल भी कितने होंगे, 1/20 ही होंगे, क्लियर। अब 1/20 में कितना भार होगा, जब मेरे पास मोलों की संख्या है मुझे भार ज्ञात करना है, तो यहां पर पदार्थ का भार बराबर होता है, मोलों की संख्या गुना मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब यदि परमाणु है तो परमाणु भार से गुना करना है, और अणु है तो अणु भार से गुना करना है। एनी कंफ्यूजन, चलिए और देखते हैं अपन यहाँ पर, क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें अपन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 288 ग्राम, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 288 ग्राम सल्फर में, कितने ग्राम परमाणु उपस्थित होंगे, क्लियर। तो 288 ग्राम सल्फर में कितने ग्राम परमाणु, का मतलब होता है मोल, तो कितने मोल उपस्थित होंगे, तो सल्फर के मोल, मोलों की संख्या, तो क्या आएगा, सल्फर का भार, अब परमाणु पूछा है तो सल्फर का परमाणु भार, और यदि ये अणु होता तो सल्फर का अणु भार लेते, भार बट्टे परमाणु भार, तो सल्फर का भार कितना है, सल्फर का भार है 288 और परमाणु भार होता है 32, क्लियर। 32 से 288 काटेंगे अपन, कितनी बार जाएगा देखिए आप, 32 से 288 गया 9 बार, 9 2 18 का 8 हासिल 1, और 9 3 27 और 1 28, 9 बार जाएगा ये, कितने आ गए 9, आप मोल कह लो इनको, या यहां पर कह दें 9 ग्राम
परमाणु, तो ग्राम परमाणु को ही हम कहते हैं मोल। क्लियर? तो ये ऐसे निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा? यहाँ सूत्र लगेगा पदार्थ का भार बट्टे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। परमाणु है तो परमाणु भार से भाग लगेगा, अणु होता तो अणु भार से भाग लगता। एनी कंफ्यूजन? और एग्जांपल्स देखें अपन यहाँ पर, और क्वेश्चन करें यहाँ पर। जैसे आपको ये कह दिया है ना, एक क्वेश्चन ये दे दिया आपको, एक क्वेश्चन ये दे दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 8 है डीपीपी नंबर 1 का। ये क्या कह रहा है? ठीक, ये कह रहा है कि भाई 4.4 ग्राम CO2 है, क्लियर, 6.022 गुना 10^22 अणु N2O5 है, क्लियर। और यहां पर ये कह रहा है 0.2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है, वह NTP पर 1.12 लीटर SO2 है, मैं से सभी ऑक्सीजन परमाणु, सभी ऑक्सीजन परमाणुओं को हटाया गया जाता है। तो जितने ऑक्सीजन परमाणु हैं सबको हटा दिया जाता है, और हटाया जाता है तथा संयोजित कर O2 गैस को बनाया जाता है। जितने ऑक्सीजन परमाणु हैं इनको हटा दिया, और इन ऑक्सीजन परमाणु ने क्या बनाया? ऑक्सीजन गैस बनाई। तो यहां पे लिख रहा है तथा संयोजित कर O2 गैस बनाता है। जितने भी ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त करके O2 गैस बनाते हैं, तो NTP पर परिणामी गैस का आयतन होगा। तो NTP पर परिणामी गैस का आयतन होगा, क्या होगा वो बताना है आपको, कि NTP पर इस गैस का आयतन इतना होगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपके पास इतने ग्राम CO2 है, इतने अणु N2O5 के हैं, और इतने मोल CO के हैं, और इतने लीटर SO2 के हैं। इन सभी यौगिकों में से ऑक्सीजन परमाणु को हटा दें, और वो ऑक्सीजन परमाणु जुड़कर O2 अणु बना ले, क्या बना ले? O2 गैस बना ले। तो उस गैस का NTP पर आयतन क्या होगा? तो पहले तो मैं इन सबके मोल निकालूं, मोल निकालने के बाद उनमें देखूं कितने मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं, फिर उससे मैं ऑक्सीजन के अणु बनाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपके दे रखा है 4.4 ग्राम CO2, इसमें मोलों की संख्या कैसे आएगी, मोलों की संख्या कैसे आएगी वो देखिएगा। पदार्थ का भार दे रखा है 4.4 बट्टे पदार्थ का अनुभार 32/12 44, क्लियर, कितना हो गया 1/10। 1/10 का मतलब 0.1 मोल है, कितना है इसका, 0.1 मोल आया CO2 का, पहला क्लियर हो गया। दूसरे में मोल निकालने में क्या दे रखी है आपको, अणुओं की संख्या दे रखी है, और अणुओं की संख्या दे रखी है तो आपको क्या करना है, 6.023 × 10^23 से भाग देना है। ढंग से समझना, अणुओं की संख्या है मतलब कणों की संख्या है, तो हमें क्या करना होता है, 6.023 × 10^23 से भाग देना होता है। तो यहाँ देखो आप 6.022 × 10^22 अणु N2O5 के, तो यहाँ पे क्या आएगा, अणु कणों की संख्या 6.022 × 10^22 बट्टे Na का मान कितना है, 6.022 × 10^23, ये कट गया, 22 गया तो एक बच्चा नीचे पावर, तो एक का मतलब 10 हो गया, और 1/10 का मतलब हो गया वही 0.1 मोल, क्लियर। फिर तीसरा देखो 0.2 मोल CO है, तो यहां तो डायरेक्ट रखा है कितना 0.2 मोल है, और D देखिएगा
1.1 लीटर SO2 है, तो यहां पर ही दे दिया NTP पर 1.12 लीटर SO2। तो लीटर दे रखा है तो मोल कैसे निकलेंगे, गैस का NTP पर आयतन बटे 22.4, पॉइंट हटाया 112 से कट गया 20 बार, 20 का मतलब हो गया 0.05 मोल। अब ये तो इन सब पदार्थों के मोल आ गए, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िएगा, यदि इनसे सभी ऑक्सीजन परमाणुओं को हटाया जाता है, जितने ऑक्सीजन परमाणु है उनको हटा दें, तो हटाने पर ये ऑक्सीजन परमाणु संयोजित करके ऑक्सीजन गैस बनाते तो NTP पर उसका आयतन क्या होगा, तो पहले हटाए गए ऑक्सीजन परमाणुओं के मोल निकाल लेना भाई। तो यहां पर हटाए गए ऑक्सीजन परमाणुओं के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, आप यहां देखो इस पदार्थ के मोल कितने 0.1, और इसमें ऑक्सीजन परमाणु कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 2 ऑक्सीजन परमाणु है ना भाई, और जब 2 दिख रहे हैं तो इसमें कितने, इतने में कितने होंगे, तो 2 × 0.1 हो जाएगा ना भाई, बराबर 2.2 मोल ऑक्सीजन हो गए। क्लियर है भाई, जितना एक अणु में उतना उसके मोल को गुना कर देंगे ना भाई। यहाँ देखो N2O5 में एक अणु में कितने 5 है, कितने मोल है इसके 0.1 है, कितने से मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 × 0.1 बराबर 0.5 मोल। ओके फिर यहाँ पर आप देखो CO में ऑक्सीजन का एक एटम है, तो जितने CO के मोल होंगे उतने ऑक्सीजन के मोल होंगे, क्योंकि तो एटम पे एक ही है ना ऑक्सीजन का परमाणु, एक है तो भाई 0.2 मोल है, 0.2 × 1 बराबर 0.2 मोल। और यहां पर देखो SO2 में ऑक्सीजन 2 है तो 0.05 मोल में कितने होंगे, 2 × 0.05 कितना आ गया 0.1 मोल। तो कुल ऑक्सीजन के परमाणुओं के मोल कितने होंगे 0.2, 0.5, 0.7, 0.9 और 0.1, 1.0 मोल हो गए। तो ये तो ऑक्सीजन परमाणुओं के मोल आए, अब ये ऑक्सीजन परमाणु मिलके क्या बना रहे हैं, O2 गैस बना रहे हैं, तो एक O2 गैस में कितने परमाणु है, 2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर एक ऑक्सीजन का अणु बना रहे हैं, O2 गैस बना रहे हैं, तो मेरे पास एक मोल है तो कितना बनाएंगे, आधा मोल बनाएंगे ना भाई, अरे भाई 2 मिलकर एक बना रहे हैं तो एक मिलकर कितना बनाएगा, आधा बनाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आएगा आधा मोल। क्लियर, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो क्लियर है आपका, अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ आपके पास, ऑक्सीजन परमाणुओं के मोल आगे 2, कितने आगे ऑक्सीजन परमाणुओं के मोल 2 आगे, तो अपन क्या लिख दें, हटाए गए ऑक्सीजन परमाणुओं के मोलों की संख्या कितनी आएगी बेटाओ, 1 मोल है। अब ये मिलकर ऑक्सीजन अणु बनाते हैं, तो आप यहां देखो एक ऑक्सीजन अणु में कितने परमाणु, 2 है, तो आप क्या कहोगे, चूंकि 2 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर एक O2 अणु बनाते हैं, इसलिए कितना ऑक्सीजन परमाणु है आपके पास, एक कितना बनाएगा, एक ऑक्सीजन परमाणु मिलकर कितना बनाएगा भाई, 1/2 O2 अणु बनाएंगे। अब आपके पास तो एक मोल है ना भाई, तो इसलिए एक मोल ऑक्सीजन परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, 1/2 मोल O2 गैस बनाएंगे, और 1/2 मोल गैस का आयतन कितना होगा आप देखिएगा। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, आपने क्या करा, सबसे पहले मोल निकाल लिया, मोल निकालने के बाद उसमें देखा कितना ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के मोल निकाल लिए, और फिर सबको जोड़ दिया तो ऑक्सीजन परमाणु के मोल आ गए। उससे फिर अपन ने यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु से बनने वाले O2 अणुओं के मोल निकाल लिए, और O2 अणुओं के मोल कितने आए, आधा मोल ऑक्सीजन गैस है, तो आधा मोल का आयतन कितना होगा, अतः O2 गैस का NTP पर
आयतन कितना होगा, मोलों की संख्या गुना 22.4 बराबर 11.2 लीटर। कितना लीटर आएगा, 11.2 लीटर। आया कि नहीं आया? तो ये सवाल करने होते हैं आपको इस तरीके से। कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइएगा, है क्या भाई, क्लियर है? तो ये आएगा आपके 11.2 लीटर। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो जो पदार्थ आपको दे रखे हैं उनके मोलों की संख्या निकालो, फिर उन पदार्थों में आपको ऑक्सीजन बढ़वाया तो ऑक्सीजन परमाणु के मोल निकालो, फिर उससे O2 के मोल बना लिए अपन ने, ये बन गए, और O2 के मोल बन गए तो जितने मोल आया उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, आयतन आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखिएगा और क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे मान लो यहां पर दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया, HCP पर CO2 के 11.2 लीटर में पहला CO2 के मोलों की संख्या दूसरा परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या तीसरा CO2 अणुओं की संख्या और चौथा आपसे कह दे ऑक्सीजन परमाणुओं के मोल, ऑक्सीजन परमाणुओं के मोलों की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, DPP नंबर 1 का 7 का थर्ड क्वेश्चन है, सी वाला। ओके, इसको सॉल्व कर, तो आपको क्या दे रखा है, एंड HCP पर CO2 का 11.2 लीटर। तो केमिस्ट्री में NTP और HCP सेम है, क्लियर? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई 11.2 लीटर दे रखा है आपको, इतना दे रखा है आपको 11.2 लीटर, तो CO2 के मोल निकालेंगे। तो आप यहाँ देखिएगा सॉल्यूशन पहले का, CO2 के मोलों की संख्या आपको यहाँ क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। सूत्र क्या होता है, गैस का NTP पर आयतन बट्टे 22.4। तो गैस का NTP पर आयतन लीटर में कितना दे रखा है, 11.2 दे रखा है बट्टे 22.4। तो यहाँ कितनी बार जाएगा, ये दो बार जाएगा, 1/2 मोल मतलब 0.5 मोल आएगा। कितना आएगा बेटा जी, 0.5 मोल आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन करें अपन, सेकंड के बजाय अपन पहले थर्ड कर लेते हैं। आप यहाँ देखिए थर्ड में यह पूछा है अणुओं की संख्या, तो यहाँ पर जब अणुओं की संख्या निकालते हैं तो अणुओं की संख्या निकालने का तरीका होता है कि जो आपके मोलों की संख्या है ना उसको NA से गुना कर दीजिए। तो मोल कितने इसके, 0.5। तो 0.5 गुना NA, क्या कहा मैंने, मोलों की संख्या को NA मतलब अवोगाड्रो संख्या से गुना कर दीजिए, तो आ जाएगा आपके 0.5 NA अणु। कितने अणु आ गए भाई, 0.5 NA अणु आ गए। फिर आप दूसरा निकालेंगे, दूसरा क्या, परमाणुओं की संख्या। तो यहां पर उसने ये नहीं कहा कौन सा परमाणु, कार्बन परमाणु है या ऑक्सीजन परमाणु है, और जब ऐसा नहीं कहा तो आपको कुल परमाणु देखने कितने होंगे। तो एक CO2 में देखो कितने परमाणु है, एक CO2 में एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, कुल 3 परमाणु है ना भाई। अरे कितने परमाणु है एक अणु में, 3 परमाणु है कुल मिला के, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो इतने अणुओं में कितने होंगे, तो एक अणु में 3 है, तो हमसे कोई पूछे कि भाई एक में 3 है तो इतने अणु दे रखे हैं तो इसमें कितने होंगे, गुना 3 कर देंगे, और गुना 3 करेंगे तो ये आएगा 0.5 NA गुना 3 बराबर आ गया 1.5 NA परमाणु। क्या आ गया बेटा, 1.5 NA परमाणु। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है? फिर यहाँ पे अपन चौथा क्वेश्चन करें, उसने क्या पूछा है, ऑक्सीजन परमाणुओं के मोलों की संख्या,
ऑक्सीजन परमाणुओं के मोलों की संख्या पूछी है कि कितने मोल होंगे, तो आप यहां देखो एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु दिख रहे हैं आपको, दो। तो जब एक में दो दिख रहे हैं तो इतने मोल में कितने होंगे, गुना दो हो जाएंगे ना भाई। तो जब आपको किसी विशेष परमाणु की संख्या निकालनी हो तो पहले आप ये देखिए कि उस परमाणु के एक अणु में कितने परमाणु हैं, क्लियर। उसके एक अणु में कितने परमाणु है, तो आपने देखा ऑक्सीजन के परमाणु दो हैं, तो आप देखो किसने निकाल रहा, CO2 में, तो CO2 के मोलों की संख्या को दो से गुना कर देना है आपको, क्लियर। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 0.5 गुना दो बराबर एक मोल ऑक्सीजन परमाणु, यस या नो आएगा, कर सकते हैं सवाल, क्लियर है। कुछ नहीं करना है इसमें, जो पूछा है वैसे के वैसे करना है। जैसे एक सवाल और करते हैं अपन, है ना, एक सवाल और करते हैं अपन, इसी का पहला सवाल करते हैं, क्लियर। और पहला सवाल क्या देता है इसका, आप देखिएगा, इसी का अपन पहला सवाल करते हैं। और पहला सवाल क्या है, सातवें का पहला, सेवंथ का ए वाला डीपीपी वन में पहला सवाल क्या कहता है, ये सवाल कहता है इसका कि भाई 49 ग्राम H2SO4 में, क्लियर, पहला H2SO4 के मोलों की संख्या, सेकंड है H2SO4 के अणुओं की संख्या, थर्ड है कुल परमाणुओं की संख्या, ओके, फोर्थ है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, फिफ्थ है सल्फर परमाणुओं की संख्या, और सिक्स्थ है आपके ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ओके। ये आपको दे रखा है, क्लियर है। और ये पूछा है आपसे, आगे लिख रहा है ज्ञात करो, ज्ञात करो, तो ये हमको ज्ञात करना है। अब ये ज्ञात करना है तो आपको H2SO4 का बाहर दे रखा है, तो पहला तो जो आएगा सॉल्यूशन मोलों की संख्या, या पदार्थ का भार दे रखा है, H2SO4 अणु है तो अणु भार का भाग लगेगा, तो आपका सूत्र क्या आएगा, मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बट्टे पदार्थ का अणु भार, क्या लगेगा, मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बट्टे पदार्थ का अणु भार। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आएगा H2SO4 के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार 49 और बट्टे पदार्थ का अणु भार 98 होगा, भाई हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 64 हो गया, 98 मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 मोल, ओके। तो सेकंड क्या कह रहा है, वो सेकंड कह रहा है H2SO4 अणुओं की संख्या, तो जब अणुओं की संख्या निकालनी है H2SO4 अणुओं की संख्या निकालनी है, तो ये जो संख्या होगी कैसे निकलेगी, मोलों की संख्या को Na से गुणा कर दो। भाई जब किसी के मोल याद है और उसके अणु निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके मोलों की संख्या को Na से गुणा करना है, तो यहाँ पर 0.5 गुना Na बराबर आ जाएगा 0.5 Na अणु, क्लियर। फिर क्या पूछा उसने, कुल परमाणु, तो H2SO4 के एक अणु में देखो कितने परमाणु है, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर के, 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, 7 हो गए, क्लियर। तो एक अणु में 7 है, तो इतने अणु में कितने गुना 7 हो जाएंगे,
और गुना सात कर देंगे भाई। आपको ये देखना है एक अणु में कितने हैं, जितने एक अणु में उतने की संख्या से सभी अणुओं की संख्या को गुना कर देना है। तो एक अणु में सात दिख रहे हैं भाई, दो हाइड्रोजन के, एक सल्फर के, चार ऑक्सीजन के, तो सात से हम इसको गुना करेंगे अणुओं की संख्या को। तो यहां पर कुल परमाणुओं की संख्या क्या आएगी, अणुओं की संख्या 0.5 एन ए गुना एक अणु में कितने परमाणु है सात, तो गुना सात तो ये कितना आएगा 3.5 एन ए परमाणु आएगा। क्या आएगा भाई 3.5 एन ए परमाणु आएगा। और चौथा क्या है आपके, चौथा पूछा उसने हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो एक अणु में कितना हाइड्रोजन दिख रहे हैं दो, तो कुल अणुओं की संख्या को दो से गुना कर दो। तो यहां पर H परमाणुओं की संख्या कैसे आएगी, H परमाणुओं की संख्या आएगी आपके 0.5 एन ए इंटू दो, भाई दो हाइड्रोजन है ना तो दो से गुना कर दिया, इतने परमाणु हो जाएंगे हाइड्रोजन के, क्लियर। तो उसने क्या पूछा सल्फर, सल्फर एक में एक है तो जितने अणु है उतने सल्फर के परमाणु होंगे, तो फिफ्थ आ जाएगा सल्फर परमाणुओं की संख्या बराबर 0.5 एन ए परमाणु, कितना आएगा भाई 0.5 एन ए परमाणु। और फिर आपसे पूछा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, एक अणु में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं चार, तो चार से गुना कर देंगे अणुओं की संख्या को, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर कितना, जो अणुओं की संख्या 0.5 एन ए इसको हम चार से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2.0 एन ए ऑक्सीजन परमाणु। तो पहले बोला आया कि नहीं आया, सबसे पहला काम क्या है मुझे मोलों की संख्या निकालनी है, क्या बात क्या सूत्र लगा पदार्थ का भार बट्टे पदार्थ का अणु भार, लगा दिया 0.5 मोल आ गए। अब वो पूछे इस 0.5 मोल में कितने अणु हैं, तो अणु निकालने के लिए एन ए से गुना कर दिया भाई। और एन ए से गुना करने के बाद वो पूछा कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, तो कुल परमाणु देखने एक अणु में कितने दिख रहे हैं सात, तो सात से गुना कर दो इन अणुओं की संख्या को, तो हमने सात से गुना कर दिया अणुओं की संख्या, क्लियर। फिर आपसे पूछा हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी होगी, तो हाइड्रोजन परमाणु कितने दिख रहे हैं आपको, एक अणु में दो दिख रहे हैं तो अणुओं की संख्या को दो से गुना कर दिया, क्लियर। फिर आपसे पूछा सल्फर परमाणु संख्या कितनी होगी, तो सल्फर के कितने परमाणु दिख रहे हैं एक अणु में एक, तो अणुओं की संख्या को हमने एक से गुना कर दिया, क्लियर। और फिर पूछा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, तो ऑक्सीजन परमाणु कितने दिख रहे चार, तो अणुओं की संख्या को हमने चार से गुना कर दिया और कितना आ गया 2.0 आ गया। बोलो कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत है, चलिए थैंक।